अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी तंदूरी चिकन मोमोज़। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मेरे पास है ये देखें, 1 कप मेरे पास मैदा है और इसके लिए हसबे ज़रूरत हमें पानी चाहिए। थोड़ा सा ऑयल जाएगा और इसमें थोड़ा सा 2 पिंच के करीब तकरीबन इसमें मैं नमक डालूंगी और इसकी हम एक सख्त सी हम इसकी डो तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करते हैं। ऑयल जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी हम डो तैयार करेंगे। चलिए ये देखिए डो तैयार है। इस पे अभी मैं लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल और इसको दूसरे बाउल में करेंगे शिफ्ट। इसमें छोटे वाले में रेडी है, इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखते हैं और आ जाते हैं चिकन की तरफ कि क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पर हम फिलिंग तैयार करेंगे। ये मेरे पास ये देखिए श्रेडेड चिकन है 1 कप और 2 बड़ी प्याज थी मेरे पास। इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है और मसाले में ये देखिए मेरे पास 1.5 टीस्पून कुटी मिर्च है, 1/2 टीस्पून से भी कम मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा। और ऑयल है मेरे पास, फ्राइंग पैन में रखे ऊपर, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। सबसे पहले इसमें जाएगी प्याज, प्याज मैंने डाल दी है इसमें। इसको करेंगे हल्के से सौते करेंगे, बस इसको कलर बिल्कुल नहीं देना, बस इसका पानी ख़त्म हो और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो फिर इसमें जाएगा चिकन और फिर बाकी मसाला। यहाँ पर ये देखें प्याज हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी चिकन और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसी के साथ डाल देंगे मसाले भी और इसको मिक्स करते जाएंगे। चलिए ये देखें चिकन रेडी है और इसको हम डालेंगे प्लेट में। बस इतना ही, 5 मिनट के लिए मैंने इसे कुक किया है मसाले डाल के। बस इसको निकालते हैं प्लेट में ताकि ये ठंडी हो जाए। फिर चलिए ये देखिए फिलिंग तैयार है। अभी हम बनाएंगे इसकी तंदूरी फिलिंग, उसमें क्या क्या जाएगा। यहाँ पर हम बैटर तैयार करेंगे, तंदूरी बैटर, जिसके लिए ये मेरे पास 3 टेबल स्पून दही है और मसाले में ये देखिए ये मेरे पास है पिसी हुई मिर्च है 1 टीस्पून और पेपरिका है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी है और पिसा हुआ गरम मसाला है और चाट मसाला है 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा है और ज़रदा कलर है। तो सारे मसाले जाएंगे और नमक भी जाएगा इसमें। और ये देखें ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून है मेरे पास बेसन और 2 लेमन थे मेरे पास, इनका रस निकाल लिया है और थोड़ा सा धनिया जाएगा, ऑयल जाएगा। तो चलें सारी चीज़ें इसमें डालते हैं। अभी दही में सारे मसाले जाएंगे, बेसन, लेमन जूस, ऑयल, इसको करते हैं मिक्स। देखिए सारा बैटर मैंने मिक्स कर लिया, अब जाएंगे इसमें धनिया, इसको भी मिक्स कर लेंगे। आटा भी हमारा रेडी है, इसको 15 मिनट हो चुके हैं, इसके हम छोटे छोटे पेड़े काटेंगे। हाँ इसको इस तरह सारे मैं बना लूँगी पेड़े। तो यहाँ पे रखते जाएंगे। चलिए देखिए सारे मैंने इसकी जड़ें बना ली हैं, अब इसकी हम बनाएंगे इसको बोल के छोटी छोटी हम देखिए इस तरह पतला आपने इसको बेलना है। इसको बेल के यहाँ रखते जाएं, इसी तरह मैं सारे कर लूँगी।
तो यहाँ पर देखें कोयला भी मैंने रख दिया ताकि ये अच्छा सा गर्म हो जाए, और दूसरी तरफ ऑयल भी रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको गर्म होता रहेगा। और यहाँ पर ये देखें सारे पेड़े जो मैंने बनाए थे इसको मैंने इस साइज़ में बेल लिया है। अभी इसमें फिलिंग जाएगी इस तरह, देखें इसमें रखते जाएं और इसको यहाँ से उठाएंगे ऐसे, और इस तरह घुमाते जाएं। ठीक है, ये हो गया इस तरह, अच्छा सा इसको लॉक कर दें आप। ये हमारी मोमोज रेडी हैं, इस तरह रखते जाएं इसको आप प्लेट में। और ये है कि अफ्तारी में आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल यूनिक रेसिपी है, आप लोग बनाएं और एंजॉय करें अफ्तारी में, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। देखें यहाँ पे प्लेट में रखते जाएं इसको। चलिए देखें ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालते जाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ देखें कोयला भी हमारा रेडी हो रहा है, तो जितनी इसमें स्पेस है अपनी मैं डालूँगी, बाकी फिर बाद में करेंगे। प्याज इसमें डाल देती हूँ मैं, इसको हमने बहुत डार्क नहीं करना, हल्का सा इसको कलर देना है, और फिर क्योंकि दोबारा भी ये कुक होंगे इसलिए फिर कलर अच्छा सा आ जाएगा इनके। चलिए ये रेडी हो चुके हैं, इनको मैं निकालती हूँ अभी बाहर। चलिए ये देखें सारे हो चुके हैं मोमोज रेडी, अभी इसमें मैं डालती हूँ सॉस में, और इसको डाल के मिक्स कर देंगे। ये बॉल थोड़ा सा छोटा लग रहा है लेकिन चलिए। ये सारा बैटर जो मैंने रेडी किया था देखें इस पर सारा लग चुका है, अभी इसको हम धुआं देंगे कोयले का। कोयला भी हमारा रेडी है, यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर रखी है, इस पर रखते हैं कोयला, और इस पर जाएगा थोड़ा सा ऑयल, और इसको थोड़ी देर के लिए हम चलें देखें एक मिनट हो चुका है, अभी हम इसको निकाल लेते हैं ऑयल तो बाहर, फ्लेम को ऑन करेंगे, इसमें हल्का सॉल्ट डालेंगे, और यहाँ से देखें ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसको उठाते जाएंगे और यहाँ पर रखते जाएंगे। चलें देखिए इस पर कलर आना स्टार्ट हो चुका है, इसको मैं चेंज करती जाऊंगी इस तरह। चलें ये देखिए सारे रेडी हो चुके हैं, अभी मैं इसको निकाल दूँ प्लेट में। चिकन मोमोज रेडी हैं, आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके और फीडबैक आपने ज़रूर देना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने मनपसंद चटनी के साथ आप इसको सर्व करें। और फर्स्ट टाइम जो मेरे चैनल पे हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलें मिलते हैं अगली रेसिपी में, ओके अल्लाह।